हेलो एवरीवन जय हिंद आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आज हम करेंगे जनरल स्टडीज पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे बैचेस के रिगार्डिंग देना चाहती हूँ हमारा करंट अफेयर्स का बैच रन करता है जिसमें बिफोर हैंड पी प्रोवाइड की जाती है एक प्रॉपर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज़ दी जाती है और एक लाइव क्लास होती है जिसमें फटाफट रिविजन और डाउट डाउट्स लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के जी का बैच है प्री प्लस मेन्स बैच जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी होती है एन सी आर टी सिक्स से लेके एडवांस्ड बुक्स तक की प्रिपरेशन की जाती है करवाई जाती है उसमें मेन्स आंसर राइटिंग बैच है जिसमें कि एक एक्सपीरियंसड फैकल्टी रियल टाइम बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड करती है आंसर्स चेक करती है और सजेशंस भी प्रोवाइड करती है इम्प्रूव करने के लिए एन सी आर टी सेल्फ स्टडी कम बैच है जिसमें टेस्ट सीरीज़ और टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे सो लेट स्टार्ट विद सेशन टूडे आज का क्वेश्चन क्या है डू यू अग्री विद द व्यू दैट स्टडी जी डी पी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैफ्ट द इंडियन इकोनमी इन इन गुड शेप गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि स्थिर जी डी पी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में छोड़ दिया है अपने तर्कों को समर् अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए ये क्वेश्चन जी एस थ्री इंडियन इकोनॉमी में आता है इस ये यू पी एस सी ने टू थाउजेंड नाइनटीन में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा अब जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है किसके इर्द गिर्द घूम रहा है क्या पूछा है क्या दिख रहा है हमें मेनली जी डी पी ग्रोथ स्टेडी जी डी पी ग्रोथ लो इन्फ्लेशन और इंडियन इकोनॉमी हमें जी डी पी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या उसका फ़र्क पड़ रहा है वो अच्छा हुआ है बुरा हुआ है और हुआ है तो क्यों हुआ है हमें वो बताना है तो ये मेन हम किस में बताएंगे? अब किसी भी पहलू किसी भी टॉपिक पे जब हम जाते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं एक अच्छा और एक बुरा तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ से बात नहीं करेंगे कि या तो वो अच्छा है या वो बुरा है हम दोनों तरीके से बात करेंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम कहाँ बताएंगे मेन पार्ट में बॉडी में बताएंगे इंट्रोडक्शन में हम क्या डालेंगे जीडीपी ग्रोथ या इन्फ्लेशन से इंडिया किस तरीके से वो चल रहा है इन्फ्लेशन जीडीपी कैसी चल रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा क्रक्स देंगे इंट्रोडक्शन में सो लेट स्टार्ट विद आंसर इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज को दर्शाया था इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया कि अगर हम 2014-15 के कंपैरिजन में देखें तो 2018-19 के टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे में हमारी इकोनॉमी पहले से जो बहुत हाई इन्फ्लेशन चलता था उससे या फिर वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता था इन्फ्लेशन अब आके वो इन्फ्लेशन थोड़ा स्टेबिलिटी पे आ गया है थोड़ा स्थिर हो गया है और कम भी हो गया है एक कम लेवल का इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है उस और इन्फ्लेशन कम के साथ साथ जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है जी वी ए है उसमें भी हमें कमी महसूस हुई है कमी देखने को मिली है रिडक्शन इन ग्रॉस वैल्यू एडिड इस पर बहुत सारी डिबेट्स चली है कि इसका मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा या ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा या इसको किस तरीके से देखना चाहिए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है तो ये हमने सिर्फ एक इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से हमने इसको हम इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन में देंगे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताना है क्योंकि वो हम पार्ट किस में डालेंगे मेन बॉडी में डालेंगे अब हम बात करेंगे हमारे बॉडी की बॉडी में जैसे हमने बात की थी कि दोनों पहलू देने हमें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है तो पहले हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं पॉइंट्स टू अग्री सबसे पहला है प्रोवाइड पॉलिसी स्टेबिलिटी जब हमें दिख रहा है कि जीडीपी ग्रोथ या हमारी इकॉनमी इकॉनमी की ग्रोथ स्टेडी है स्थिर है विकास जो है वो स्थिर प्रभाव से हो रहा है स्थिर दर पे हो रहा है इन्फ्लेशन कम है तो जब हमें पैसा कम हमें चीज़ें बहुत सस्ते में मिल रही है हमें ज़्यादा महंगे में नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी इसमें क्या वर्क करता है एक पूरी इकोनॉमिक्स में ना एक साइकिल चलती है पूरी वो साइकिल यहाँ पे कैसे चलेगी कि ग्रोथ रेट स्टेडी है स्थिर तरीके से विकास हो रहा है एक ही पेस पे विकास होता जा रहा है महंगाई कम हो रही है महंगाई कम होने की वजह से मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज़ एक कोई भी आइटम खरीदने के लिए परचेज करने के लिए सौ रुपये दे रहे थे आज हमें उसी आइटम को परचेज़ करने के लिए उसी चीज़ को खरीदने के लिए सत्तर रुपये देने पड़ रहे हैं तीस रुपये का मार्जिन क्या है यहाँ पे वो हमें बच रहा है ना तो वो तीस रुपये हमारा कहाँ जाएगा वो तीस रुपये हर एक इंसान सोचेगा कि हम उसको अपने सेव करें एक गरीब आदमी क्या सोचेगा कि हम सेव करें एक अमीर आदमी क्या सोचेगा या तो हम अपनी लग्जरीज़ में थोड़ा सा या फिर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं रिटर्न आ जाएगा अच्छा खासा हमारे पास तो अमाउंट बच रहा है तो वो क्या है मार्केट की सिचुएशन अच्छी होगी क्योंकि लोग सेविंग्स करना शुरू कर देंगे सेविंग हैबिट्स इंक्रीज़ होगी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी इंडस्ट्रीज़ भी अच्छे से रन करेंगी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी चल चल पाएंगी उससे तो इसीलिए एक पॉलिसी में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे क्योंकि नहीं हो रहा है तो हम एक पॉलिसी लेके चल सकते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सूट करेगी तो ये हमारा एक एडवांटेजियस पॉइंट है सब कुछ अच्छा चल रहा है पुअर पीपल भी अफेक्ट नहीं होंगे वो लोग भी सेव कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नेक्स्ट पॉइंट पर हम आए तो मोर इक्विटेबल अब इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पुअर पीपल पे पड़ता है हालांकि पूरे तरीके से अगर हम इसको बोलें कि पुअर पीपल पे ही पड़ता है गरीब लोगों पे ही पड़ता है ना महंगाई का तो ये गलत भी है क्योंकि सिर्फ लो पुअर गरीब लोगों पे ही नहीं पड़ता जो मिडिल क्लास है मध्य वर्ग के लोग हैं उन पर भी पड़ता है लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन भुगतता है एक गरीब आदमी क्यों क्योंकि जब महंगाई बढ़ जाती है तो जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो चीज़ सौ रुपये की है महंगाई कम होने में वो सत्तर रुपये की मिल रही है लेकिन अगर महंगाई बढ़ेगी तो वही सौ रुपये की चीज़ अगर उसको एक सौ तीस में मिलेगी तो उसकी जो इनकम है उसकी जो आय है वो कम हो जाएगी अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें तो अगर एक ए पर्सन है अगर वो ए पाँच सौ रुपये कमा रहा है पाँच सौ रुपये के कमाने में वो सौ रुपये एक चीज़ सौ रुपये की एक चीज़ परचेज़ कर रहा है ख़रीद रहा है अब वही चीज़ उसको एक सौ तीस में ख़रीदनी पड़ रही है पहले उसके पास अपनी बाकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए चार सौ रुपये बच रहे थे लेकिन अब उसको अपनी बाकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए सिर्फ़ तीन सौ सत्तर रुपये बच रहे हैं तो उसकी क्या है आय उसकी कम हो गई डिस्पोज़ेबल इनकम डिस्पोज़ेबल इनकम क्या होती है जो उसके जो खर्च निकालने के बाद उसके पास पैसा बचता है उसकी इनकम कम हो गई तो जब उसकी इनकम कम होएगी तो उसकी बेसिकली धीरे धीरे क्या होगी परचेजिंग पार मतलब कुछ खरीदने की क्षमता उसकी कम होती चली जाएगी ज़रूरी तो नहीं है कि क्या वो एक सौ तीस रुपये का सामान खरीद ही पाए जब वो सौ रुपये का था तब तो वो ख़रीद पा रहा था लेकिन एक सौ तीस रुपये का वो खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे ही नहीं बचे हैं तो उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाएगी तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है किसको पुअर पीपल को क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है और क्योंकि पुअर की परचेजिंग पावर पहले ही कम होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते पैसे होते तो फिर उनको पुअर ही क्यों कहते उनके पास इतने पैसे नहीं होते और अगर वो भी अगर उनके पास कम चले कम हो जाएंगे खरीदने के लिए और अमाउंट कम हो जाएगा तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे तो इसीलिए कम इन्फ्लेशन क्या करता है कम इन्फ्लेशन में लोगों के पास पुअर पीपल के पास भी और रिच के पास भी सभी के पास डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो इनकम वो अपनी नेसेसिटीज या कुछ निकाल के जो उनके पास बचती है वो इनकम उनके पास ज़्यादा बचेगी जब उनके पास ज़्यादा बचेगी तो सेम वही सर्कल चल गया सर्कुलर इकॉनमी है सर्कल चल गया कि पैसे उनके पास इनकम ज़्यादा बच रही है अब वो उसको क्या करेगा सेव करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा वो मार्केट में जाएगा इकोनॉमी में जाएगा इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो जाएगी हर इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा हर कोई अच्छे से जी पाएगा हेल्दी और एक अच्छी लाइफ जी पाएगा तो ये इक्विटेबल है क्योंकि सभी की इनकम क्या हो रही है डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है एक वो रिच या पुअर की रिच ज़्यादा रिच ही बेनिफिट में है पुअर नहीं है वो चीज़ नहीं कह सकते रहती इसमें ज़्यादा एक इक्विटेबल मैनर फिर भी आ जाता है यस yes, वो डिवाइड तो फिर भी रहेगा रिच और पुअर का वो कम नहीं हो सकता बट एक वो इक्विटेबल मैनर में उनका इंक्रीज़ उनको बेनिफिट हो जाता है लो इन्फ्लेशन से नेक्स्ट है मेंटेनिंग द फिजिकल डेफिशिट टू द अप्रोप्रिएट लेवल राजकोषीय घाटे को उचित स्तर पर बनाए रखना फिजिकल डेफिसिट क्या होता है राजकोषीय घाटे घाटे को क्या कहते हैं जब एक इकोनमी के इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं मतलब निर्यात आयात से ज़्यादा होता है ठीक है तो उस टाइम पे जब उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं जब उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं तो उसकी क्या होगी इकोनॉमी सरप्लस में चल रही है अच्छी चल रही है मतलब फिजिकल सरप्लस है डेफिशिट नहीं है लेकिन अगर उसकी फिजिकल डेफिशिट कब कहेंगे जब इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा बाहर से मंगा रहा है ज़्यादा पैसा बाहर देना पड़ रहा है बजाय कि जितना उनके पास आ रहा है तो वो जो फ़िजिकल डेफिशिट है वो एक लेवल पे एक सर्टन लेवल पे हम मेंटेन कर सकते हैं या तो इक्विलिब्रियम लेवल होगा कि इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स या फिर सरप्लस लेवल होगा कि एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स तो वो एक लेवल जब आ जाता है वो एक अप्रोप्रिएट लेवल मेंटेन करना इजी हो जाता है तो जब प्राइस लेवल कंट्रोल्ड है एक अच्छा प्राइस मिल रहा है पुअर पीपल भी खरीद पा रहे हैं तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो सब्सिडीज़ कम कर सकती हैं और जब सब्सिडीज़ भी या गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो वो टैक्स रेट भी कम कर सकती है तो जो टैक्स पीप टैक्सिंग पीपल हैं टैक्स पे करते हैं उनको भी बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है कि उनको सब्सिडीज़ भी कम पे करनी पड़ रही है क्योंकि लोग इतने सक्षम हैं हो पा रहे हैं कम इन्फ्लेशन कम महंगाई की वजह से कि वो खुद ही अपनी इनकम से खरीद सकें उनको ज़्यादा सब्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो उससे इससे क्या होता है कि इकोनॉमी अच्छे से रन कर पाती है ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं हो पाता है तो फिजिकल डिफिशट मेंटेन हो जाता है नेक्स्ट है हेल्पिंग अर्बन इकॉनमी अब अर्बन एरियाज़ की जब हम बात करते हैं तो अगर हम रूरल और अर्बन को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ अगर हम महंगाई के उसमें देखें तो क्या बोलते हैं कि गाँव में तो ना ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में तो ये चीज़ इतने की मिलती है तो सस्ती मिलती है यहाँ पे तो बहुत महंगी है तो लूट मचाई हो रही है शहरों में तो लूट मचाई हो रही है जो गांव गांव के लोग होते हैं वो अगर शहर में पहली बार आते हैं तो वो कहते हैं अरे ये चीज़ तो वहाँ तो इतने की मिलती है जो चीज़ वहाँ पचास की मिलती है ये यहाँ पर डेढ़ सौ में दे रहे हैं क्यों क्योंकि वो एक लिविंग कॉस्ट का फ़र्क है रूरल एरियाज़ में एक ही कमोडिटी या कोई चीज़ बहुत सस्ते में मिलेगी बट अर्बन में वो चीज़ महंगी मिल रही है क्योंकि वो एक लिविंग कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है रहने रहन सहन का फ़र्क आ जाता है तो अगर इन्फ्लेशन रेट कम है तो जो अर्बन एरियाज़ की लिविंग कॉस्ट है उसको भी हम एक लेवल पे रख सकते हैं वो भी एक मैनेजेबल लेवल पे रहेगा तो इससे जो मिडिल क्लास जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनको भी बहुत रिलीफ बहुत सुकून मिलेगा मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिली है इससे लो इन्फ्लेशन रेट उनके लिए बहुत अच्छा कारगर प्रूव होता है ये तो हमारे पॉइंट्स टू अग्री कि जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि पॉलिसी में वही इन्वेस्टमेंट डिस्पोजिबल इनकम बच रह, हो रही है इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो वो इकोनॉमी में जा रही है इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश कर रही हैं गवर्नमेंट को स्पेंडिंग भी कम करनी पड़ रही है जिसकी वजह से फिजिकल डेफिशिट भी मेंटेन कर पा रहे हैं और अर्बन में एक अर्बन इकोनॉमी में भी एक मैनेज लेवल मैनेजेबल लेवल पे एक सही लेवल पे क्या चल रहा है इकोनॉमी चल रही है सही लेवल पे कॉस्ट चल रही है वहाँ पे जिससे कि हर एक पर्सन उसका बेनिफिट ले पा रहा है ये हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए लेकिन जब हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें अगर दूसरे पहलू की बात करें तो फॉल इन कंजम्पन डिमांड खपत मांग में गिरावट अब ये बात की जा रही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने क्लियरली इस चीज़ को दर्शाया है कि डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की कम होती जा रही है डिस्पोजेबल इनकम कम होने की वजह से डिमांड भी कम हो रही है अब अब आप कहेंगे कि अभी तो बात कर रहे थे कि डिस्पोज़ेबल इनकम तो बढ़ रही है ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो दूसरा पहलू की बात करते हैं अब इन्फ्लेशन कम है इन्फ्लेशन कम का मतलब क्या है कि एक कमोडिटी जो पहले सौ रुपये की थी अब वो सत्तर रुपये में बिक रही है तो लोगों को के लिए तो वो अच्छा है पीपल के लिए वो अच्छा है कि वो उसको सत्तर रुपये की खरीद पा रहे हैं लेकिन जो इंडस्ट्री या जो प्रोडक्शन उसको बना रही है उसके पास जो पहले सौ रुपये आ रहे थे वो अब कितने आ रहे हैं सत्तर रुपये आ रहे हैं तीस रुपये की तो उसको तो कटौती हो गई तो इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होता है लो इन्फ्लेशन फ्रूटफुल प्रूव नहीं होता उनके लिए डिसएडवांटेजेस होता है लो इन्फ्लेशन तो उनके लिए तो कम आ रहे हैं अब जब उनके पास सौ रुपये आ रहे थे तो वो उस सौ रुपये में से क्या कर रहे थे वो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ कर रहे थे और अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे थे वेजेस दे रहे थे वर्कर्स को जो वर्कर्स को वेजेस मिल रही थी वही तो उसको आगे जाके स्पेंड कर रहे थे ना डिमांड कर रहे थे उसको खर्च खर्च कर रहे थे अब जब सत्तर रुपये आ रहे हैं तो वो सत्तर रुपये में अब वो इंडस्ट्री क्या करेगी वो वर्कर्स की वेजेस भी कम करेगी जब कम हो जाएगी तो उसके पास ऑटोमेटिकली पैसे कम आएंगे ये दूसरा पहलू है देखने का इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कि जब उनके पास कम पैसे हैं तो वो वर्कर्स को भी कम देंगे तो उनके हाथ में पैसे जब कम रहेंगे वर्कर्स के में तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं बचेगी तो इसका इससे क्या हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हुआ है जिससे ये साफ साफ पता चला है कि लोगों की इनकम कम हुई है और इनकम कम होने की वजह से उन्होंने क्या किया है डिमांड कम करती है जिससे कि डिमांड में कमी आई है नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट अब सेम वही साइकल चलेगी कि इनकम कम हो गई तो खरीदना कम शुरू कर दिया डिमांड करनी कम शुरू कर दी जब डिमांड कम हुई है तो जब हम खरीदेंगे ही नहीं तो अगर हम खरीदेंगे एक चीज़ ख़रीद रहे हैं हम तो वो उस दुकानदार के पास पैसे जा रहे हैं दुकानदार अपने स्टाफ को पैसे देगा वो स्टाफ को पैसा जाएगा जब तो वो अपने वो भी डिमांड करेगा चीज़ों की लेकिन अगर हमने ही डिमांड कम कर दी तो वो दुकानदार क्या करेगा उसके पास पैसे कम आ रहे हैं तो वो भी स्टाफ को हटाना शुरू कर देगा तो जिस स्टाफ को हटाया उनके पास तो पैसे आ नहीं रहे तो वो डिमांड कैसे करेंगे जब उनको डिमांड ही नहीं कर पाएंगे उनके पास इनकम ही नहीं हो पाएगी उनकी नेसेसिटीज़ के लिए ही उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है वो उनके पास प्रॉपर अमाउंट नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट तो कहाँ करेंगे नहीं करेंगे डिमांड भी कम होगी और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी नेक्स्ट है डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम का क्या मतलब है जैसे कि अभी हमने इंडस्ट्रीज़ की बात करी इंडस्ट्रीज़ हैं कॉरपोरेट्स हैं तो उनके लिए रेवेन्यू जैसे प्रॉफिट कम आने लग गया अब जहाँ वो सौ रुपये एक चीज़ पे कमा रहे थे वो सत्तर रुपये कमा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट तो कम हो गया ऑटोमेटिकली जब उनका प्रॉफिट कम हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है तो जो उन्होंने लोन लिया हुआ है अब वो उसका इंटरेस्ट उतने उतना पे बैक नहीं कर पाएंगे उन्होंने तो क्या सोच के लोन लिया था कि अच्छा अरे इतना प्रॉफिट हो रहा है मेरे को मुझे अगर आ, पर मंथ थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है मैंने उसके बेसिस पे लोन ले लिया लेकिन अब मुझे पर मंथ जो प्रॉफिट है वो मुझे सिर्फ सिक्स हंड्रेड का हो रहा है लेकिन तो उसकी वजह से मैं वो लोन की जो इंस्टॉलमेंट है या वो जो इंटरेस्ट है मैं पे बैक कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है जिस हिसाब से मैंने सोचा था वो होने की वजह से वो बैंक्स के उसमें क्या आ जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट के उसमें बैंक की बैलेंस शीट में एड ऑन हो जाता है तो वो बैंक के लिए भी घाटा है और वो कॉरपोरेट्स के लिए भी घाटा है इसीलिए बोला जा रहा है डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम नेक्स्ट रेवेन्यू शॉर्टफॉल ऑफ द गवर्नमेंट कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कम पड़ता जा रहा है ड्यू टू लेस इनकम जनरेशन अब क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है इकोनॉमी तो किससे रन करेगी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी जितनी ज़्यादा अच्छे से डिमांड होगी अब लोगों के पास इनकम नहीं है डिमांड नहीं है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है इकॉनॉमी में पैसा नहीं जा रहा है कॉरपोरेट्स के पास पैसा नहीं है बैंक्स की एन नॉन परफॉर्मिंग असट्स बढ़ते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा सरकार के पास नहीं आएगा तो इसीलिए वो क्या करेंगे इनकम उनकी जो आ, कम आ, जो इनकम है गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो कम होता चला जाएगा और इसीलिए वो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कम कर देंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होने में भी क्या होगा लोगों का नुकसान ही होगा क्योंकि उनको फिर नॉन एसेंशियल आइटम्स में नॉन फूड आइटम्स में भी ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ये थे हमारे पॉइंट्स टू डिसअग्री कि जो नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं तो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स की भी बात की इसमें और नेगेटिव की भी बात की अब हम इसमें एज अ कंक्लूजन सिर्फ वो कंक्लूडिंग नहीं डाल डालेंगे इसमें हम वे फॉरवर्ड भी डाल सकते हैं और वे फॉरवर्ड हमारा क्या होता है मतलब सजेशंस की क्या करना चाहिए आगे तो हमेशा वो वे फॉरवर्ड किस तरीके से होता है जो जो प्रॉब्लम्स बताई हैं जिस चीज़ की दिक्कत है उसी चीज़ को क्या बना दो सोल्यूशन बना दो कि ये ठीक हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी तो इस तरीके से हम आगे जाएंगे वे फॉरवर्ड पे तो हमें किसकी बात करनी है प्रॉब्लम क्या आती है हमारी मेनली कि पैसे नहीं है वो सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है कि लोगों के पास इनकम कम जा रही है जिससे कि डिमांड कम है तो हमें क्या करना है लिक्विडिटी बढ़ानी है लिक्विडिटी बढ़ाएंगे तो लोगों के हाथों में पैसा जाएगा पैसा जाएगा तो वो डिमांड करेंगे जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे किया जा रहा था कि पैसा दिया जा रहा था अ ये पैकेजेस लेकर आए हैं बहुत सारे ठीक है तो ये क्यों लेकर आ रहे हैं ताकि लोग खर्चा करें लोग डिमांड करें क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी इकोनॉमी सर्कुलेट होगी और प्रॉफिट होगा तो इसीलिए हमें लिक्विडिटी को एनहैंस करना है जैसे कि टैक्सेस को हम कम कर सकते हैं या कुछ टाइम के लिए वेव भी कर सकते हैं हटा सकते हैं लोन्स दे सकते हैं हम तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है जब हम लोन्स वगैरह देंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भी करेंगे और डिमांड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी होगी नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर वही चीज़ है कि पब्लिक पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो जैसे कि मनरेग स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कि उसके तहत क्या होगा लोगों को काम मिलेगा का, लोगों को काम मिलेगा का, तो उनकी अर्निंग होगी अर्निंग होगी तो वो डिमांड करेंगे या उनको घर प्रोवाइड करेंगे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके से उनकी इनकम भी जनरेशन इनकम भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी नेक्स्ट प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ मतलब श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देंगे कि अगर हम श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देंगे जैसे आजकल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो लेबर की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उससे तो जब हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इनक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनकी वही फ्लो चलेगा उनको इनकम इंक्रीज होगी उनकी इनकम मिलेगी उनको इनकम इंक्रीज़ होगी तो वह डिमांड भी करेंगे इकोनॉमी में भी जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी होने लग जाएंगी तो ये था हमारा वे फॉरवर्ड कंक्लूडिंग टर्म्स पे हम क्या कह सकते हैं कि जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए या है वो क्या है कि ईजिंग थोड़ा सा ईज कर दो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें कि पैसा लोगों के पास जाए वही लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाए जिससे और इन्वेस्टमेंट साइकिल हमारा रन करने लग जाए इन्फ्लेशन जरूरी नहीं है कम अच्छा हो कि कम है तो अच्छा है या ज़्यादा है तो अच्छा नहीं है इन्फ्लेशन एक डबल एज्ड स्वॉड है जिसको एक रेंज में ही रखना बेटर है अगर वो फोर टू सिक्स परसेंट की रेंज में है या बेसिकली हम बोल देते हैं फोर परसेंट इन्फ्लेशन बेटर होता है प्लस टू माइनस टू तो ये रेंज जो होती है वो इन्फ्लेशन की सबसे बेस्ट होती है तभी सबसे ज्यादा लोग उससे बेनिफिट कर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेशन हो पाती है अगर उससे ज्यादा टू परसेंट से ज्यादा लो इन्फ्लेशन चला जाएगा तो भी वो हमारी इकोनॉमी के लिए बुरा है और सिक्स परसेंट से ज्यादा चला जाएगा तो भी वो बुरा है तो इस रेंज में अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो इट विल बेनिफिट होल सोसाइटी आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच लास्ट में मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि हमारे कोर्सेज़ है करंट अफेयर्स बैच जी प्री प्लस मेन्स बैच ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है बिल्कुल मेन्स आंसर राइटिंग बैच बहुत अच्छे से प्रिलिम्स तक मेन्स रेडी करवा दिए जाओगे आप लोग एंड एन सी आर टी सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज़ बैच प्लीज़ जॉइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे नाइन सेवन वन थ्री टू एट टू एट थ्री एट पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज़ हैव अ ग्रेट डे हेड गुड लक